कागज में अधिक सहनशीलता होती है। प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 10th प्रोज की फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसको एन फ्रैंक ने लिखा है, इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें। कहा, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। कहा कि अब मैं फिर से उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, बिंदु पर आती हूँ, जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कहा कि मैं और स्पष्ट कर दूं। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय माता पिता हैं, एंड अ 16-year-old सिस्टर और एक 16 वर्षीय बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, कहा मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्रिय चाचियाँ हैं, एंड अ गुड होम, एक अच्छा सा घर है। ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपरी तौर पर तो देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट सिवाय माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरी एक सच्ची मित्र सहेली के अलावा। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। तो कहा कि जब मैं अपने मित्र के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, पर मैं साधारणतया प्रतिदिन की बातों के बारे में ही बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। कहा कि मैं नहीं सोचती कि हम और नज़दीक आ सकते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। कहा यही समस्या है, हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते, यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, कहा कि हो सकता है कि यह मेरा दोष है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। इन एनी केस, कहा किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि ये कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और कहा कि दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी, कहा यही कारण है, यही वजह है कि मैंने डायरी आरंभ की है, डायरी लिखना आरंभ किया है। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कहा कि अपनी कल्पना, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, अपनी कल्पना में इस चिरप्रतीक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्य को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू जोड़
down the facts in this diary the way most people would do. कहा अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्य को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं. तब ये क्या चाहती हैं? कहा बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस मित्र को किट्टी पुकारूंगी, किट्टी किट्टी कह के पुकारूंगी. कहा सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन. किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ तो किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा. नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड एक शब्द ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों का टू किट्टी जो किट्टी को मैं सुनाऊँ. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, कहा यदि मैं तुरंत चाहूँ किसी को सुनाना किट्टी को सुनाई गई कहानियों को का तो एक भी शब्द उसे समझ में नहीं आएगा. मैं न चाहते हुए भी क्या चाहूँगी. आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. मैं चाहूँगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँ, प्रस्तुत करूँ. माई फादर द मोस्ट एडमायरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, एडोरेबल पाया है. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. मेरे पिता मेरे माता से तब तक विवाह नहीं किए जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की और माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई. मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट. कहा मेरी बहन मार्गट का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था. कहा इन जर्मनी में. कब? इन 1926. तो कहा मेरी बहन मार्गट का जन्म जर्मनी शहर में फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. कहा मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. कहा मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए, इमिग्रेटेड में जाकर बस गए. माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक. कहा मेरी माता एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, उनके साथ चली गई. कहाँ? टू हॉलैंड इन सितंबर. तो हॉलैंड में रहने के लिए सितंबर में चली गई. व्हाइल मार्गट एंड आई वर सेंट टू, जबकि मार्गट और मैं हमें भेज दिया गया. कहाँ? आचन भेज दिया गया. सेंट टू आचन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर. मेरी बहन और मुझे अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए आचन भेज दिया गया. मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गट दिसंबर में हॉलैंड चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं पीछे पीछे फरवरी में चली गई. व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट.
कहा, जब जबकि मुझे मार्गाट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज सिक्स। मैं वहाँ 6 वर्ष की आयु तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। कहा कि वहाँ मैंने कक्षा प्रथम से पढ़ाई शुरू की, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट क्लास। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस। तो छठवीं कक्षा में मेरी मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस थी, द हेड मिस्ट्रेस जो मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और कहा कि वर्ष के अंत में जब हमने हृदय तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। ये जो हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूपरस थी, उनको उनकी आंखों में और मेरी आंखों में, अर्थात एन फ्रैंक के आंखों में। आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।